बॉलीवुड एक बेरहम दुनिया है। यहाँ उगते हुए सूरज को ही सलाम किया जाता है और बाद में बड़े से बड़े स्टार को भुला दिया जाता है। बॉलीवुड में आपको ऐसी बहुत सी अभिनेत्री देखने को मिल जाएंगी जिन्होंने अपने दौर में बहुत सफल फिल्में की, लेकिन वहीं आज वो गुमनामी की जिंदगी काट रही है। इस लिस्ट में शामिल है बॉलीवुड का बड़ा नाम मुमताज का, जिन पर कभी करोड़ों लोगों का दिल धड़कता था, लेकिन आज दर्शकों ने इन्हें भुला दिया है। कभी खूबसूरत, मासूम और चुलबुली दिखने वाली मुमताज आज वक्त के साथ बहुत बदल चुकी हैं। पहली नजर में आप उन्हें देखकर पहचान नहीं पाएंगे। तो आइए देखते हैं इनकी आज की हालत और जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों इन्होंने बॉलीवुड से दूरियां बनाई। लेकिन इससे पहले इनके शानदार अभिनय के लिए एक लाइक तो बनता ही है। चुलबुली, हंसमुख और नटखट मुमताज जिस जमाने में फिल्मी पर्दे पर अपने अभिनय का जादू बिखेरती थी, उस समय उनकी अदाकारी के सभी कायल थे। मुमताज ने जब करियर की शुरुआत की, तब की हीरोइन शर्मीली, शांत किरदार वाली महिलाएं होती थी, पर मुमताज ने अपने नटखट अदाओं से हीरोइन होने के मायने को ही बदल दिया। 31 जुलाई 1947 को मुमताज का जन्म हुआ था। उनकी माँ नाद और चाची नीलोफर पहले से ही अभिनय की दुनिया में थी, लेकिन वो सिर्फ जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर ही काम करते थे। शुरुआत में मुमताज को भी छोटे मोटे रोल ही मिले। 1960 के सालों में मुमताज ने कई फिल्मों में सह अभिनेत्री की भूमिकाएं निभाई। उसी समय बॉलीवुड में दारा सिंह की एंट्री हुई, लेकिन दारा सिंह के साथ फिल्मी पर्दे पर कोई भी हीरोइन जोड़ी बनाने से डरती थी। इसी बात ने मुमताज को ज्यादा फायदा पहुंचाया। मुमताज ने दारा सिंह के साथ कुल 16 फिल्मों में काम किया, जिसमें से 10 हिट साबित हुई, और वो उस दौर में फिल्मों में काम करने के लिए सबसे ज्यादा पैसे लेने वाली अभिनेत्री बन गई। मुमताज ने 1969 में फिल्म दो रास्ते में राजेश खन्ना के साथ काम किया। इसके बाद तो मानो धमाल ही मच गया। दोनों जिस भी फिल्म में आते, वो फिल्म अपने आप सुपरहिट साबित हो जाती। दोनों ने एक साथ बहुत से हिट फिल्मों में साथ काम किया, जिसकी वजह से इनके अफेयर की खबरें भी छपने लगी। लेकिन मुमताज ने इस रिश्ते को केवल एक अच्छे दोस्त का नाम दिया। मुमताज ने 1974 में गुजराती बिजनेसमैन मयूर मधवानी से शादी कर ली। मुमताज के इस तरह से अपने कामयाब करियर को छोड़कर अचानक शादी कर लेने पर सभी को आश्चर्य हुआ, लेकिन मुमताज का कहना था कि मुझे ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो मुझसे प्यार करता था, इसलिए मैंने शादी कर ली और फिल्मी करियर को अलविदा कह दिया। मुमताज ने अपने 15 साल के फिल्मी करियर में 108 फिल्मों में काम किया। हालांकि बाद में 1989 में उन्होंने अपने फिल्मी करियर की दूसरी पारी आंधियों फिल्म से की, लेकिन ये फिल्म सिनेमा घरों में फ्लॉप साबित हुई। मुमताज ने अभिनय की दूसरी पारी को शुरू करके खत्म करने का निर्णय ले लिया। इसके बाद खबरें आई कि मुमताज को ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। कैंसर से मुमताज की लड़ाई कई लोगों के लिए आदर्श बनी। साल 1996 में मुमताज को फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। आज की मुमताज की ये तस्वीरें उनकी जिंदगी के बुरे वक्त को बयां करती है। समय के साथ उनका लुक पूरी तरह बदल चुका है, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। एक बेहतरीन अभिनेत्री को समय के साथ किस तरह भुला दिया जाता है, इसके मुमताज जीती जागते उदाहरण है। दोस्तों, आपको मुमताज की कौन सी फिल्म सबसे बेहतरीन लगती है, उस फिल्म का नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही बॉलीवुड के गुमनामी चेहरों की खबर सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।